अमरावती से भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा जब शेरनी की तरह दहाड़ती है ना, तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, बड़े बड़े थर थर कांपने लगते हैं। अब नवनीत राणा ने हैदराबाद में घुसकर असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर दहाड़ मारी तो दोनों भाई कांप गए, दोनों भाई भयभीत हो गए, दोनों भाई डर के कारण एकदम से घबरा गए। नवनीत राणा हैदराबाद में माधवी लता का प्रचार करने गई थी और माधवी लता भी एक शेरनी की तरह मुकाबला कर रही हैं असदुद्दीन ओवैसी का। भाजपा की उम्मीदवार हैं माधवी लता, हैदराबाद से प्रत्याशी हैं और इस बार बहुत बड़ी टक्कर देने का काम कर रही हैं माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को, और इसीलिए वहां का प्रचार, वहां के चुनाव को देखने के लिए पूरे देश की लोगों की नजर हैदराबाद की ओर है। तो उसी हैदराबाद में पहुंची थी नवनीत राणा, और जब नवनीत राणा एक शेरनी के पास पहुंची यानी माधवी लता के मंच पर पहुंची तो फिर वो शांत कैसे रह सकती थी। फिर उन्होंने वही दहाड़ मारी जो उनका तेवर है और जिस तेवर में नवनीत राणा बोलने का काम करती हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 12 साल पहले दिए गए बयान को याद दिलाया और ताकीद कर दिया कि अगर इस तरह का बयान तुम दोगे तो हमें भी बयान देना आता है और हम भी करारा तमाचा जड़ सकते हैं। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बताया कि तुम तो 15 मिनट के लिए मांग रहे थे पुलिस, कि 15 मिनट अगर पुलिस मिल जाती है तो हम बता देंगे, यानी हिंदुओं को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे थे, सीधे तौर पर हिंदुओं को डरा रहे थे, सीधे तौर पर हिंदुओं को कह रहे थे कि 15 मिनट अगर पुलिस मिल जाए तो हिंदू कहां जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में ही चेतावनी दी थी और बोले तुम 15 मिनट की बात करते हो, अरे तुम 15 सेकंड के लिए केवल मुझे समय दे दो, मात्र 15 सेकंड के लिए, तो तुम्हारे बड़े भैया असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन, तुम दोनों भाई कहां से आए हो, कहां चले जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से नवनीत राणा ने दहाड़ मारी और दहाड़ मारने के बाद दोनों भाइयों को ये बता दिया कि अगर तुम लोग बयान देना जानते हो, तुम लोग अगर हिंदुओं को धमकाना जानते हो तो हम भी बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझाना जानते हैं। नवनीत राणा जब भी बोलती हैं, जब भी कुछ कहती हैं तो उनके बयान के मायने निकाले जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 15 सेकंड का मात्र हैदराबाद के लोगों को समय मिल जाए फिर हम बता देंगे, उसके बाद पूरे हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जो समर्थक थे उनमें भूचाल मच गया, वो लोग कांप गए, डर गए, भयभीत हो गए और उन्हें ये लगा कि अभी तो एक शेरनी को संभाल नहीं पा रहे थे, यानी माधवी लता को ही संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब दूसरी शेरनी नवनीत राणा पहुंच गई वहां चुनाव प्रचार करने, उन्हें कैसे संभालेंगे, उनका कैसे करारा जवाब देंगे, क्योंकि इस समय हैदराबाद का पूरा परिदृश्य बदला हुआ है। जिस तरह से माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी की वो पुरानी सारी काली करतूतों को खोलने का काम कर रही हैं, कैसे किस तरह से मतदान में गड़बड़ी की जाती थी, कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती थी, कैसे चुनाव में गड़बड़ी की जाती थी, वो सारा कुछ अब माधवी लता बता रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इस बार चुनाव में जो वोटों की गड़बड़ी होती थी वो करने नहीं देंगे। तो ऐसे में जहां पर माधवी लता एकदम पसीने छुड़ाने का काम कर रही हैं असदुद्दीन ओवैसी का, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का, वहीं पर जब नवनीत राणा पहुंच गई तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों भाई एकदम से घबरा गए हैं, परेशान हैं। नवनीत राणा ने ये बता दिया है कि 15 सेकंड का समय हमें किस लिए चाहिए, किस कारण से चाहिए, हम क्या करके दिखा सकते हैं। इसके बाद जब विरोधियों ने घेरना शुरू किया, विरोधियों ने इसके बाद जब प्रहार करना शुरू कर दिया तो माधवी लता ने भी करारा जवाब दिया। माधवी लता से पूछा गया कि 15 सेकंड के लिए पुलिस मांगी जा रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, तो माधवी लता ने कहा हाँ ठीक बात है, 15 सेकंड के लिए अगर हमें हैदराबाद में मतदान के दिन केवल समय मिल जाए
तो फिर हम बता देंगे, हम मतदान करके वोट करके अपनी शक्ति दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर ईमानदारी से मतदान हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी का जो 40 साल पुराना राज है वो सारा राज ढह जाएगा, वो सारी जो सत्ता है हैदराबाद से वो एकदम से धराशाही हो जाएगी। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपने बयान 10 साल पहले दिया है या 15 साल पहले दिया है या फिर आपने हिंदुओं को डराने और धमकाने की कोशिश जरा से भी की है तो फिर दो दो शेरनी तैयार हैं। एक तरफ अमरावती से नवनीत राणा तो दूसरी तरफ हैदराबाद से माधवी लता, दोनों करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोनों अब पूरे देश भर में ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए निकलेंगी जो लोग हिंदुओं को कभी डराते थे, जो लोग हिंदुओं को कभी धमकी दे दिया करते थे, जो लोग ये कह देते थे कि मात्र 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए फिर उसके बाद हम हिंदुओं को बता देंगे। अब ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए दो शेरनियां देश में तैयार हो गई हैं जो करारा जवाब देंगी और साथ ही साथ वो बता देंगी कि अगर हिंदुओं पर किसी भी तरह से धमकाया गया, डराया गया और उन्हें किसी भी तरह से धमकाने की कोशिश की गई तो उन्हें किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि 15 सेकेंड नहीं, हम 1 घंटा का समय देते हैं, हमें बुला लिया जाए, हम वहां पर मौजूद रहेंगे, हमारे साथ जो कुछ करना है कर लिया जाए, हम देखते हैं आप में कैसी इंसानियत है। यानी उन्होंने दोहरी नीति, दोहरी चाल चलने की कोशिश की है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को इतना ही लोकतंत्र का ख्याल होता, नवनीत राणा के बयान को लेकर उनके अंदर इतनी ही तकलीफ होती तो जो उनके भाई ने 12 साल पहले बयान दिया था हिंदुओं के खिलाफ तो उसको लेकर भी उन्हें टिप्पणी करनी चाहिए थी, उसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहिए था कि अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे छोटे भाई ने जो बयान दिया था वो बयान गलत था और इसी बयान के कारण इस तरह की चर्चा हो रही है। तो अब इस चुनावी रण में यदि कोई तीखा बयान देता है तो तीखे बयान का जवाब देने के लिए दो दो शेरनियां तैयार है। एक तरफ अमरावती से भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा तो दूसरी तरफ हैदराबाद से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता मौजूद हैं।